बारे में मैं तो यही कहूँगा कि इंटर्न से कृत्य निंदनीय है, अपराधी कोई भी हो उसकी पूरी जांच होकर कानून का जो भी सम्मत दंड वो मिलना चाहिए। इसका राजनीति को विषय नहीं है, मतलब सबको है ना कानून के साथ देखना चाहिए, तभी समाज में इसका सही शब्द जाएगा। नहीं, इस ढंग की कोई बात थी नहीं, हमको तो उल्टा ये लग रहा था कि भाई ये गरीब महिलाओं की डायरी बनाती है, श्रम विभाग में मदद करती है, तो हम तो अच्छे कार्यता नाम तो देख रहे थे, पर उसकी आड़ में ये धंधा पनप गया, ये हमारे बड़ी चिंता की बात है भाई। इसका तो जो कानून करेगा करेगा, बाकी हम प्रयास करेंगे कि इस ढंग की गलती कभी दोबारा नहीं हो, आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसमें यही कहूँगा कि किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ये क्या तंत्र की फॉल्ट हुई है, सिस्टम में कहीं कहीं गड़बड़ है, ये लोग ऐसे लोग इकट्ठे करके इसको दुरुपयोग करते हैं, गरीब मदद करनी है, अब मदद के बहाने ऐसे लोग घुस गए, ये बहुत चिंता की बात है और इसको हमको देखना चाहिए। इस प्रकरण के अंदर अभी सुनीता वर्मा जो महिला मोर्चा अध्यक्ष है उसको गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ ही हीरालाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जिन व्यक्तियों को पीड़िता के साथ दुष्कर्म के लिए मैनेज किया गया था उसमें एक संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और एक सोरा मीणा को गिरफ्तार किया गया। सर ये जिनको दोनों को गिरफ्तार किया गया सरकारी कर्मचारी थे, किस पद पे थे? हीरालाल मीणा FCI में नौकरी करता है और सोरा मीणा अपने जिला कलेक्टर कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। सर क्या इन लोगों के आगे भी कोई तार जुड़े हुए हैं बड़े लोगों से भी? सुनीता वर्मा और हीरालाल मीणा ये दोनों साथी हैं, इनसे अभी और इंटरोगेशन किया जा रहा है और न्यायालय केस किया गया है और उनका पुलिस में अभिरक्षा प्राप्त की गई है, इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता ने अपने रिपोर्ट में इनके द्वारा 8 से 10 बार अलग अलग जगह पे लोगों से जो है अवैध दुष्कर्म कराया गया है, ये आरोप है। इस संबंध में और इनसे पूछताछ की जाकर तस्दीक की जाकर ऐसे व्यक्तियों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया जा रहा है।